नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी बीमारियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो पशुओं के लिए महामारी है। यानी अगर हमारे पशुओं में आ गई तो समझो 80-90% तक मॉर्टिलिटी रहती है, यानी मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा रहती है। जिसमें से 6 में से 4 बीमारियाँ तो ऐसी है जिसमें 90 से भी ऊपर मृत्यु दर रहती है। यानी कि अगर 100 पशुओं को हो गई है तो उसमें से 90-95 पशुओं का खत्म होना, जान से हाथ धो बैठना निश्चित होता है। तो ऐसी बीमारियों के बारे में, इनके इलाज के बारे में हमारे सभी पशुपालक भाइयों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं आपको ये विशेष सूचना दे दूं कि इसका इलाज इतना सरल है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आप आराम से इसका इलाज कर सकते हैं, इनको होने से रोक सकते हैं। तो साथियों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, पशुओं की सबसे खतरनाक बीमारी है रिंडरपेस्ट, जिसे हम हिंदी में पशु प्लेग के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी, लेकिन हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस बीमारी का विषाणु, ये विषाणुजनक बीमारी थी, इस बीमारी का विषाणु पूरे संसार में कहीं भी नहीं है। यानी इसका 100% उन्मूलन 2011 तक कर लिया गया था। सरकार ने अभियान चला करके, टीकाकरण अभियान चला करके, और इस बीमारी का उन्मूलन कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद सबसे बड़ी जो बीमारी है वो है साथियों गलघोंटू, HS। आज भी HS के पशु जो है वो पाए जाते हैं, HS की बीमारी पाई जाती है। ये हालांकि एक जीवाणुजनित बीमारी है, यानी बैक्टीरियल बीमारी है, लेकिन पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसमें गले में सूजन आती है, आंखें लाल हो जाती है, तेज बुखार रहता है और सांस लेने में पशु को तकलीफ होती है। ये बीमारी भैंसों में ज़्यादा होती है, लेकिन जिनमें हो जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर, कोई अच्छी भैंस है तो 36 घंटे निकाल सकती है, बाकी 36 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। अगर समय पे अच्छे एंटीबायोटिक यूज किया जाए और अच्छा इलाज किया जाए तो इनको ठीक किया जा सकता है। बाकी ये बीमारी भी ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसका एक छोटा सा इलाज है, वो है टीकाकरण। ये अधिकतर मानसून जब आता है उस समय होती है, यानी कि जो फसलों का समय होता है, चौमासा जिसे हम बोलते हैं, उस समय ये ज़्यादा होती है। तो आप चौमासे से पहले जब बारिश का मौसम शुरू होता है उसी समय इस गलघोंटू, जिसका अंग्रेजी में नाम है हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिन्हें हम शॉर्ट में HS बोलते हैं, HS, तो आप नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जा करके और HS का टीका लगवा सकते हैं। अगर आपने एक टीका लगवा लिया तो ये समझो इस बीमारी से आप अपने पशु को बचा लेंगे, ये बीमारी आपके पशुओं में नहीं होगी। तीसरी जो बीमारी है साथियों वो है एंथ्रेक्स, जिसे हम गिल्टी रोग भी बोलते हैं और कई जगह इसे बुखारी रोग भी बोलते हैं। यानी इसमें बहुत ज़्यादा तेज बुखार आता है, नाक में से मुंह में से खून निकलने लग जाता है पशु के, और गोबर में भी खून आने लग जाता है, बहुत तेज बुखार होता है। इसमें भी मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि ये हालांकि जीवाणुजनित बीमारी है लेकिन इसमें भी मॉर्टिलिटी 90 से भी ऊपर होती है। जिन पशुओं की हो जाती है उनका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका भी टीका लगता है, आप टीका लगवा लें तो उससे ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी कुछ सालों से ये बीमारी नहीं देखी गई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, बाकी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको भी टीके की सहायता से रोका जा सकता है। इसके बाद साथियों चौथी जो बीमारी है वो है लंगड़ा बुखार, जिसे हम ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, शॉर्ट में BQ बोलते हैं। इसका भी टीका HS के साथ ही लगता है, BQ का टीका आप लगवा सकते हैं। ये अधिकतर 6 महीने से लेकर के जो 2 साल तक के जो पशु है उनमें ज़्यादा होती है। और इसे लंगड़ा बुखार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बुखार भी आ जाता है और लंगड़ापन भी रहता है। ये शरीर के किसी एक भाग को, जैसे तापे पे हो गई या पुट्ठे पे हो गई, एक भाग को इफेक्ट करती है और उस भाग में खून इकट्ठा हो जाता है, सूजन आ जाती है और एकदम से वो पड़पड़ करती है। इसको पड़पड़िया रोग भी बोलते हैं। तो ये जो लंगड़ा बुखार है इसमें भी मोर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और पशुओं का बचना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए भी आप बारिश के मौसम से पहले टीका लगवा लें, बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगी। टीकाकरण ही इसका इलाज है। ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी जीवाणुजनित बीमारी है। साथियों पांचवी जो बीमारी है
वो बीमारी है FMD यानी फुट एंड माउथ डिजीज, खुरपका मुंह पका रोग। ये अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, अक्सर ये सर्दियों के मौसम में, ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में ही होता है। तो सर्दी के मौसम से पहले इसका भी टीकाकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने सेंट्रल प्रोग्राम चला करके FMDCP के तहत साल में 2 बार इसका टीकाकरण किया जा रहा है, तो इसका भी उन्मूलन नज़दीक है। इन सालों में जैसे इस बार या पिछले साल भी बहुत कम थी, इस बार भी बहुत कम है, और धीरे धीरे इसका भी उन्मूलन हो जाएगा। तो इसके लिए आप सरकार की सहायता करें, गवर्नमेंट के जो कर्मचारी आपके पास आते हैं उसमें टीका लगवा लें, साल में 2 बार टीके लगेंगे ताकि इसका भी पूरी तरह से उन्मूलन हो जाए। साथियों, ये बीमारी एक वायरल बीमारी है, यानी विषाणु जनित बीमारी है, बहुत ही खतरनाक, जिस गांव में घुस जाती है समझो लगभग सभी पशुओं में फैल जाती है। और इस बीमारी में मुंह में छाले हो जाते हैं, जैसे कि नाम से पता है, खुरपका मुंह पका, यानी खुर यानी पैर के नीचे के जो हिस्से हैं उनमें भी छाले हो जाते हैं और मुंह में भी छाले हो जाते हैं। पैरों में तो अक्सर छाले ज़्यादा होने की वजह से कीड़े भी पड़ जाते हैं, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन और हो जाता है और ये स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। तो इसको भी टीका लगा करके ठीक किया जा सकता है। साथियों, इसके अलावा जो बीमारी है वो है पॉक्स यानी चेचक। हालांकि इसमें भी मोर्टिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बीमारी में दाने दाने से हो जाते हैं शरीर पे और पशु कुछ दिन सफ़र करने के बाद ठीक हो जाता है। ये भी एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसका भी टीका लगा करके ठीक किया जा सकता है। ये बीमारी लगभग उन्मूलन के कगार पे है, यानी इन सालों में इस बीमारी के पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कम मिले, बिल्कुल कम मिले, तो ये बीमारी भी उन्मूलन के कगार पर है। तो साथियों, ये जितनी भी मैंने बीमारियां बताई है ये इतनी खतरनाक बीमारियां हैं बड़े पशुओं की, तो इनका सिर्फ टीकाकरण ही इलाज है। तो आप समय पे टीकाकरण करवाएं ताकि ये बीमारियां आपके पशुओं को होगी भी नहीं।